The war between Ukraine and Russia is impacting shoemakers of Agra. Shoes made in Agra are exported around the world, with many big brands sourcing their products from here. Compared to last year, there has been a 30% reduction in export demand from Europe, according to the shoe manufacturers of Agra. जिस तरह से ये इंटरनेशनली मार्केट लगातार डाउन होता चला जा रहा है, तो हमारे जैसे जो उद्योग हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। उनको काम मिलना कम हो गया है और काम नहीं मिलने से उद्योगों पर बहुत असर पड़ रहा है और आने वाले समय में कुछ उद्योगों को तो बंद करने वाली स्थिति पे आना पड़ रहा है। रोजगार पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा, डिमांड कम आएगी तो रोजगार पे असर पड़ेगा कि भाई इनकम नहीं आएगी तो आदमी कैसे काम चलाएगा, अपना रोजगार कैसे चलाएगा। However, despite this downturn, there is still hope that the industry will grow this year. यूरोप में और अमेरिका में भारी मंदी देखने को मिली है। जो रिटेल्स की जो मार्केट है उसमें 20-30% की मंदी आई है, लेकिन हमें लगता है कि हम जहां तक इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात है, 12% नहीं, 12% से हम 20% ग्रोथ तक फिर भी जा सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर्स जो चाइना से शिफ्ट हो रहे हैं, जो चाइना के मुकाबले उनको नए प्रोडक्ट्स अब चाहिए, हम अपने प्रोडक्ट की बास्केट को बढ़ा रहे हैं। Shoe manufacturers and traders in Agra remain hopeful that demand from the domestic market as well as from other countries outside Europe will help them overcome the challenging phase.